श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पवित्र गोद में शोभत गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप उस महान शख्सियत को श्रद्धा ते सत्कार पेड़ कर ले आए हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी साह तक पंथ नू, पंजाब नू, समाज नू अपनी काली कालनामा ना जो पहचान बनाई, एक लोक नायक के तौर पर, किसान हितैषी के तौर पर, और मैं कह सकता कि अज के राजनीतिक गलियारों के विच राजनीति के बाबा बोर्ड के तौर पर साहब प्रकाश सिंह बादल नू पंजाब ही नहीं देश और दुनिया के विच जे याद रखा जाएगा तो मैं कह सकता कि अज के पंजाब नू बनाउण दे विच, अज के पंजाब नू चलाउण दे विच, ते अज के पंजाब नू इह थां ते लियाउण दे विच जे सब तो वड्डा योगदान किसे व्यक्ति दा तां सरदार प्रकाश सिंह बादल दा। एवें नहीं कह के गए भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कि इस पंजाब की बुनियाद रखने वाले विचों साहब प्रकाश सिंह बादल सी। दुनिया जानती है कि देश आजाद होने तो बाद भाषावां दे आधार ते सूबे बने, पर पंजाबी मां दे तौर ते सूबा बनाउण दे लई मोर्चे जेहा कटनियां पईआं, ते अज दे युग दे विच जे सब तो वध किसे ने जेल कट्टी पंजाबी सूबा बनाउण लई तां साहब प्रकाश सिंह बादल उन्हां मोहरियां विचों इक सी। इस करके मैं कहा कि अज दे पंजाब नूं बनाउण दे विच, फिर चलाउण दे विच आपां जाणदे आं साहब मनप्रीत बादल जी तां कह के गए ने इस इलाके विच, पर सही गल तां इह आ कि जदों पंजाब बनिया 1966 दे विच, सरदार बादल 1970 च मुख्यमंत्री बने, पहले पंजाब दे विच 12,680 पिंडां विचों मेरा ख्याल है 200 पिंड भी सड़कां नाल जुड़े हुए नहीं सी, ते अज जदों संसार तो गए एक एक सड़क दा के तीन तीन चार चार सड़कां भी कले कले पिंड नूं ने, बल्कि ट्यूबवैलां तक दे रास्ते भी पक्के करके गए। जदों पंजाब बणिया केवल 150 पिंडां विच बिजली नहीं होनी, असीं लैंपां नाल पढ़दे रहे हां, लैंटरां नाल पढ़दे रहे हां, पर अज पंजाब देश दा सरप्लस पावर स्टेट बनिया साहब बादल दी बदौलत। और मैं कह सकदा देश दे सूबिआं विच ही नहीं बल्कि दुनिया दे किसे देश विच भी नहीं कि किसान दीआं मोटरां मुफ्त पानी कढ़दीआं होण, केवल ते केवल पंजाब विच जे है तां सरदार प्रकाश सिंह बादल दी बदौलत। इस देश दे विच महंगाई वधी पर किसे 29 मुख्यमंत्रियों विचों किसे ने नहीं सोचा कि गरीब की माँ भी बच्चे नूं दाल नाल रोटी खिला सके, जे सस्ता आटा दाल लियाउण दी स्कीम किसे ने लियांदी तां सरदार बादल ने लियांदी, जे गरीब की धी नूं स्कूल तक जाण लई साइकिल देण दी स्कीम कोई लियांदी तां सरदार बादल ने लियांदी। और मैं कह सकदा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल दा ही गरीबां प्रति दलितां प्रति जो हिरदा सी उहदा नतीजा है कि केवल तो केवल इस देश दे विच गरीब की धी दे विआह ते जे सरकार शगन दिंदी आ तां उहदी शुरुआत भी जे कीती तां साहब बादल ने कीती। होर तां गल्लां बहुत ने, पर मैं एक गल कह सकदा कि असीं पढ़दे आ, असीं प्रचारकां तों लीडरां तों विचार सुणदे आ, पर जिउंदा जागदा बोलदा इतिहास यादगारां दे रूप दे विच जे किसे ने कायम कीता ता सरदार बादल ने किया। भावें विरासत खालसा है, भावें फतेह मीनार है, भावें बड़े छोटे घल्लूघर दीआं यादगारां ने, भावें खुरानगढ़ गुरु रविदास जी का स्थान आ। और मैं कह सकदा कि जंगे आजादी का जिक्र साढ़े बहुत प्यारे मित्र अजीत दे चीफ एडिटर साहब बरजिंदर हमदर्द जी करके गए ने कि जंगे आजादी का जो मोनूमेंट बना के गए कि अपने ने तो सिफत करनी हो करनी सी, पर उन्हों तो बाद जिहड़े मुख्यमंत्री आए कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भी सिफत करनी पई, पर भाजी बरजिंदर हमदर्द बेखौफ निडर हो के लिखण दे आदि ने, सारी दुनिया जानती है इन्हों का अखबार, पर अज थोड़ी जी लिहाज कर गए क्योंकि दूजे मुख्यमंत्री जी का गल कर गए जंगे आजादी बारे, पर वो तीजे मुख्यमंत्री नूं
वो जिक्र नहीं करके गए वह जंगे आजादी जिहड़ी साडे देश दे महान शहीदां दी याद सानू दुनिया विच पहुंचाउंदी आ वह भी जे कायम की तो सरदार बादल ने की। और मैं कह सकदा कि अज सरदार प्रकाश सिंह बादल भावें चले गए पर उन्होंने जो सुनेहा दिता मैनू कई कहिंदे कहिंदे कोई ऐसी यादगार दसो भी जिहड़ी सब तो तुसीं याद रखते हो। मैं क्या मैं जिंदगी सब तो पहला सा प्रकाश सिंह बादल नूं पटियाले केंद्रीय जेल च मिलिया सी ते जदों उन्हां दी रिहाई होई आर्डर हो गए मेरी रिहाई नहीं सी होई मेरी दाढ़ी भी नहीं सी उतरी तां उन्होंने मैनू बुलाया सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट ते जिहड़ी मोठां दी ते बाजरे दी खिचड़ी खिलाई वह मैनू हुण भी याद आ। मैनू प्रेस वाले कहिंदे होर कि गल याद आ मैं क्या एक गल देखो मैं अज दे कट्ठ विच बड़े लीडरां नूं भी कहना चाहुंदा सारे धर्म काकू राजनीतिक काकू बैठे ने कि बंदे दी एक कही गल बड़ी वड्डा असर कर जांदी आ। मेरे बेटे दी शादी सी छोटे दी मैं कार्ड देण वास्ते भाजी बरजिंदर कहिंदे बादल साहब नूं जे कार्ड देना तां आप जा के दे के आयो क्योंकि उदों मैं रुसिया होया सी उदों असीं अपना वक्खरा अकाली दल बनाया होया सी। मैं भाजी की गल मान के बादल साहब तो टाइम लैण लई फोन किया मैनू कहिंदे टैली मैं कार्ड दे के आया तो की आया मैं बिना कार्ड तो आऊँगा। मैं अपने परिवार से कहा भी बादल साहब तो लारा ला गए तुसीं यकीन करो कि दोपहर में सुखबीर सिंह बादल होर नाल आ गए बेटे की शादी से जिहड़ी गल कही उन्होंने वह मैं तुहानूं दसण लग्या आउंदे मेरी वाइफ मिले ते कहंदे जी मैं बिना सदे तो आया बाकी दुनिया तो सदे ते आई आ। तुसीं यकीन करो इन्ना असर सी जदों बादल साहब की खबर सुनी मेरा ख्याल है अद्धा घंटा मेरे अखां चों तां नहीं अथरू आए मेरी वाइफ दे अखां विचों अथरू आई जाण और वह गल भुली नहीं उन्हां दे मतलब किसी बंदे दे इंसान की कही गल का किन्ना असर हुंदा लोगां ते। मैं गल तां कहण लग्या कि सरदार बादल नाल आल सैक्शन सोसाइटी दे समाज के वर्ग हर वर्ग महाराजा रणजीत सिंह नूं इस दुनिया के धर्म निरपक्ष खालसा राज के तौर पर जाणिया जांदा पर उन्हां तों बाद जे सारे वर्गों नूं नाल लैके चलण दी समर्था और हिम्मत और सोच जे किसी व्यक्ति भी सी तां सरदार प्रकाश सिंह बादल भी सी। मैं बहुता कुछ ना कहना होया एक गल मैं आखिरी कहना चाहांगा कि साहब बादल ने साडे अगे प्रेस वाले पुछदे सी कि साहब सुखबीर सिंह बादल अगे की चुनौतियां ने। मैं चुनौतियां तो होंदियां ही ने जदों लीडरी करनी आ पर एक गल साहब सुखबीर सिंह बादल अगे वड्डी चुनौती आ उह चुनौती है कि वह पंजाब वह पंजाबीयत जिहड़े लोग पंजाब ते पंजाबीयत नूं प्यार करदे ने उन्हां लोगां नूं अज लामबंद करन दी लोड़ आ उन्हां लोगां नूं अज इकट्ठे करन दी लोड़ आ। कामरेड सेखों साहब ने आरसी साहब ने संकेत दिता कि अज पंजाब उस किस्म का बने जदों धर्म युद्ध मोर्चे वेले कपूरी दे मोर्चे वेले असी पंजाब दे पाणियां लई मोर्चा लाया असी राजनीतिक तौर पर अड अड सी पर पंजाब दे हक्कां लई सारे राजनीतिक बखरेवे भुला के एक फ्रंट बना के चले सी। अज पंजाब नूं जिवें किसी ने गीत गाया अज लग गई नज़र पंजाब नूं कोई मिर्चा छिड़के वह तो यह गीत आ पर अज मैं कह सकदा मिर्चा छिड़कण नाल नहीं पंजाबियों नूं इकट्ठा करन दी लोड़ है पंजाब नूं लामबंद करन दी लोड़ है अज पंजाब ते पंजाबियों नूं सत्ता च लियाउण दी लोड़ है। अज पंजाब जिस तरह भै भीत होया अज पंजाब जिस तरह सहम विचों लंघ रहा अज पंजाब नूं जिस तरह डराउणे बना के भैण बना के दरिंदे बना के दुनिया के अगे गुरु कलगीधर पातशाह दे सरूप नूं पेश करन दे यतन हो रहे ने ये सारियां गल्लां नूं खत्म करन लई पंजाबियां दे एके दी अज बहुत वड्डी लोड़ है। और मैं समझदा कि साहिब सुखबीर सिंह बादल जिन्हां नूं बतौर उस पार्टी दे प्रधान बनण दा मौका मिलिया जिहदी लम्मा समां साहिब बादल ने प्रधानगी कीती और मैं समझदा श्रोमणी अकाली दल दी उस विरासत नूं लै के उस सोच नूं लै के अज वालियां चुनौतियां दे हाण दा होण दा यतन करनगे साड़ी पार्टी दे सारू आगू साहिबान कोशिश करनगे कि असीं अपने उस पंजाब नूं उस तरह लैके जाइए जिस तरह साहिब बादल ने सुपना लिया सी। इन्नियां बेनतियां करके अज
उन्हां महान शख्सियत नूं जिन्होंने अज दे पंजाब नूं बनाउण दे विच चलाउण दे विच अज इस थां ते पहुंचाउण दे विच सब तो वड्डा योगदान पाया उन्हां नूं सिर टका के शरदा ते सत्कार दे शब्द कह के फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।